को रजनीकांत जो कि एक्टर हैं, उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। 5 लोगों की जूरी ने एक मत से फैसला लिया है। ये खबर सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि 5 लोगों की जूरी अगर एक मत से फैसला लेती है तो इसके भी अपने मायने होते हैं। केंद्र सरकार ने अवार्ड का ऐलान किया है। प्रकाश जावड़ेकर, सूचना प्रसारण मंत्री, लाइव इंडिया न्यूज पर। एज सजेस्टेड बाई जूरीज फॉर दादा साहब फाल्के अवार्ड, बिकॉज दादा साहब फाल्के वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। 108 ईयर्स अगो ही क्रिएटेड फर्स्ट इंडियन फिल्म टाइटल्ड राजा हरिश्चंद्र, एंड सिंस देन देर इज ऑलवेज ग्रोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऑफ इंडियन सिनेमा। नाउ इंडियन सिनेमा हैज मेड इम्प्रेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट विल बिकम वर्ल्ड सिनेमा। इट हैज ऑलरेडी बिकम वर्ल्ड सिनेमा एंड इंडियन सिनेमाज फैंस आर स्प्रेड ओवर ऑल द ग्लोब एंड इट विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। सो ये सब फिल्म दुनिया के लिए और सबके लिए ये खुशी की खबर है। इतना ही था सर। ये जो अवार्ड की घोषणा हुई है रजनीकांत जी को, ये ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, क्या इसका विधानसभा चुनाव से हद तो हो गई? ये फिल्म दुनिया का पुरस्कार है और रजनीकांत 50 साल से काम कर रहे हैं। सवाल भी ठीक पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक राजनीतिक सवाल है, जिस तरह से ममता बनर्जी जो है वो सारे जो गैर बीजेपी शासित राज्यों के लोग हैं उनको चिट्ठी लिख रही है और कह रही है कि एकजुट होने का समय आ गया। ममता बनर्जी की चिट्ठी एक हताशा का प्रतीक है। वो मन में समझ गई है कि वो हार रही है। केवल खुद नंदीग्राम में नहीं हार रही है, पूरा टीएमसी सत्ता से बेदखल हो रहा है और इसके कारण ये जिनके विरोध में कम्युनिस्ट और कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको भी वो आह्वान कर रही है कि हमारे सबके साथ आओ, एकजुट हो। तो ये सर्वाइवल का उनका पत्र है, बाकी कुछ नहीं। सर एक सवाल है सर, पहले फेज में जिस तरह से वोटिंग हुई 84% करीब वोटिंग हुई, आज एक बार फिर से वोटिंग हो रही है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर एक बार फिर से जैसा आप लोगों ने दावा किया था कि पहले फेज में वोटर निकल रहा है, आपको लगता है कि इस फेज में भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकलेगा? मैं हमने बहुत कुछ, हमारे नेता भी वहां और बाकी सब जगह बंगाल पर बोल रहे हैं, केवल एक प्रतिक्रिया देनी थी वो दी। बाकी मूल मुद्दा आज रजनीकांत के दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा यही है।